और पाकिस्तान की जमीन को आतंकी पहले ही खून खराबे से लाल कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के आसमान को दहशत से भरना चाहते हैं। अमेरिका की ओर से जारी नई चेतावनी बताती है कि पाकिस्तान में आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। पाकिस्तान के आसमान में आतंकी खतरा, आतंकियों के निशाने पर अमेरिका के विमान। साल 2015 पेशावर, ये पाकिस्तान के पेशावर में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की तस्वीरें हैं। हमला 2015 में हुआ था। 5 साल बाद इस हमले के तार अमेरिका के डर से जुड़ गए हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देश को आशंका है कि कहीं आतंकी पाकिस्तान के आसमान में उड़ रहे अमेरिकी विमानों को निशाना न बना दे। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सभी अमेरिकी एयरलाइंस को पाकिस्तान एयर स्पेस के इस्तेमाल से बचने को कहा गया है। अमेरिकी एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक आतंकी अमेरिकी विमान को छोटे हथियारों या एंटी एयरक्राफ्ट फायर के जरिए निशाना बना सकते हैं। अमेरिका की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बात की भी आशंका जताई गई है कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को लैंडिंग या टेक ऑफ के समय आतंकी टारगेट बना सकते हैं। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर भी हमले का खतरा है। एडवाइजरी में 2014 से 2019 के बीच पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर हुए हमले का जिक्र किया गया है। ये भी आशंका जाहिर की गई है कि हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को भी आतंकी आधुनिक हथियार से निशाना बना सकते हैं। अमेरिका की नई चेतावनी से साफ है कि पाकिस्तान में कुछ भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान की जमीन तो पहले ही आतंकियों का अड्डा बन चुकी है, अब आसमान भी आतंकियों से सुरक्षित नहीं। गीता मोहन, दिल्ली आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।